हमारे जो अब चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस हो गए हैं पाकिस्तान के, जो अब हमें सोचना होगा कि हमने अब कैसे क्या स्टेप्स लेने हैं इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आती है तो वो हमें वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिए। वो वाकई वो बड़े फैसले करने पड़ेंगे जो अभी तक हम नहीं करते। हम किसी ना किसी अपनी गवर्नमेंट्स बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं। वो जो फैसले होंगे उसमें जो सबसे नंबर वन जो फीचर करेगा कि हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने ये वल्नरेबल लोगों को, ये इसको हम प्रायोरिटी बनाएंगे, उसके बाद डेवलप करेंगे अपने बाकी सारे प्लान्स। और मैं जो समझता हूं कि जो आगे फीचर करेगा जो सबसे बड़े हमें इस मुल्क को निकालेगा आप जो आगे क्राइसिस आ रहा है उसमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, ये वो लोग हैं अगर हम सही मानेंगे। और हम डिवाइस कर रहे हैं अभी से, हमने प्लानिंग शुरू की है कि हम कैसे उनको इन्वेस्टमेंट यहां करवाएं अपने मुल्क में, किस क्या चीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्यों हमारे दौर में हमने और हो बल्कि इन्वेस्टमेंट आ रही थी लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी कि जी अब गवर्नमेंट जा रही है तो दो हफ्ते में जा रही है, तीन हफ्ते में जा रही है, अब धरना है, उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की हुई थी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले बहुत जरूरी है और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है इसको हम कैसे उस इंटरम पीरियड में कवर करें। मैंने दो बड़े प्रोजेक्ट सोचे थे और दोनों ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए थे, एक अभी जो रावी सिटी, एक नया शहर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का इंटरेस्ट था। दूसरा एक बंडल आइलैंड है कराची में, बिल्कुल पड़ा हुआ है ऐसे ही सारा सूरज जा रहा, यानी वो कोई बेकार जगह है, उधर से हमने पूरी प्लानिंग कर ली। बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे थे, दुबई से बड़े कंसोर्शियम आ रहे थे उसके अंदर इन्वेस्ट करने, दोनों से सेबोटाज किए गए। बंडल आइलैंड हम काम शुरू करने लगे, सिंध गवर्नमेंट ने एनओसी विड्रॉ कर ली। यहां जो रावी सिटी थी इसमें हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। 11 महीने एक जज ने स्टे ऑर्डर दे दिया, रोक दिया प्रोजेक्ट उसने 11 महीने। और हमें पता है किधर से प्रेशर था, प्रेशर सारा ये हाउसिंग सोसाइटीज का था जो बहुत बड़ा माफिया बन गया। उन्हें पता था कि अगर नया पूरा शहर ऊपर चला जाए, मॉडर्न सिटी बन जाए, तो ये जो रियल एस्टेट थी जो सारा इस वक्त बहुत बड़ा स्कैम भी है इसके अंदर, उनको डर था कि वो रुक जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज, यानी लोग इधर इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने सब 11 महीने स्टे ऑर्डर, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके अंदर हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जा रहे थे जो कवर कर रहे थे ये जो कमोडिटी सुपर साइकिल कोरोना की वजह से सारी दुनिया में आया हुआ था। मेरा ख्याल था कि हम वो गैप तब तक कवर कर हम राइड कर दें ये पीरियड जबकि कमोडिटी सुपर साइकिल नीचे जाएगा, तो मैं वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सेबोटाज किया। लेकिन मैं अभी भी सोचता था कि हमें ये ना साजिश के तहत हमें हटाते तो हम उसको इस तरह राइड करते, क्योंकि अभी भी वो रूडा चल पड़ा था तो उसमें हमारे पास पैसे आ रहे थे। तो आखिर में मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये जो आने वाला वक्त है इस पे हमें नंबर वन अपने आम आदमी की बचाना है उसको, ये जो महंगाई आ रही है और उसके बाद ये जो इफेक्ट्स बदकिस्मती से आएंगे फ्लड्स की वजह से, तो हमने उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है उसके लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमें करनी पड़ेगी। और जो हमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे और जो हमारे करेंसी के ऊपर प्रेशर पड़ेंगे वो इंशाल्लाह हम अब डिवाइस कर रहे हैं तरीके कि कैसे हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को इन्वेस्टमेंट करवाएंगे पाकिस्तान में, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो और हमारे मुल्क को भी ये मुश्किल वक्त से निकाल दें। शुक्रिया।